मोक्ष प्रकाश ग्रंथ आत्मा अधिकार पेज नंबर 276 करणानियम के व्याख्यान का उदाहरण ये प्रकरण चल रहा है। करणानियम के व्याख्यान की क्या पद्धति है, जब आप करणानियम पढ़ो तो ये सब चीजें आप दिमाग में रख के उसको पढ़ना कि इसके व्याख्यान की विधि ये है क्या। तथा करणानियम में छद्मस्थों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया, ये बहुत खास बिंदु है। कई लोग इसको जो है समझते नहीं और अपने हिसाब से भी कुछ भी करणानियम के वर्णन को लौकिक में लगाते रहते हैं क्या, कि वो यहाँ जैन मंदिर भी जाता है, इस मंदिर भी जाता है, समझे मिथ्या दृष्टि क्या, समय दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी, क्योंकि जैन मंदिर भी जाता है, पड़ोस में भी जाता है। तो इसका नाम समय मिथ्या गुणस्थान है, इसका नाम तो प्रकट मिथ्या गुणस्थान। तो कर्णानियोग में छद्मस्थों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया जो छद्मस्थ को दिखे। अविग्रह गति में एक समय में जीव रहता है, दो समय, तीन समय, तो हमने यहाँ घड़ी लगा रखी क्या, हम नापेंगे एक समय, नाप लिया तुम्हारे बस की बात है, नाप लो क्या। जीव निकलता है जिस समय, हम बिल्कुल उसी समय का एक्यूरेट अंदाजा लगाएंगे, इसलिए बस की नहीं है। जीव के किस क्षण मरा ये कोई नहीं बता सकते, किस समय मरा, और विग्रह गति में जो गया कितने समय, जो एक दो समय लगे उसको, वो किसी के ज्ञान का विषय नहीं है क्या। ऐसा आज के दिन ही वो पैदा हुए थे और आज के दिन ही हमारे घर में मरे थे, ऐसा लगता है ये वही है। ऐसे एक अवतार है, कभी लौकिक में चल रहे हैं, इनको लोग श्री जय राजचंद का अवतार मानते हैं। बोले वही इसी गांव में उसी का कुछ भी हिसाब लगा लो, तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वर्णन है बहुत सूक्ष्म है, एक एक समय की पर्यायों का वर्णन करता है, और ये कोई छद्मस्थ की प्रवृत्ति अनुसार नहीं है, ये तो केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। इसमें जैसे अभी कौन सा योग चल रहा है, तो अपन स्थूल बात से बताएंगे ना कि साहब ये हमारा मन योग है या वचन योग है, वचन बोल रहे तो वचन योग है, काया से प्रवृत्ति कर रहे तो काय योग है, मन से सोच रहे तो मनोयोग है। तो ये सब अपन जो भी कह रहे हैं सब स्थूल है। क्षण क्षण अपने बोलने में, आधे घंटे वो लगातार बोलने में भी दसों बार हजारों बार वो वचन योग से काय योग हो जाए और काय योग से मनोयोग हो जाए, तो ये अभी कौन सा स्पष्ट योग चल रहा है ये अपने ज्ञान गोचर नहीं है। अभी आपके कौन सा योग है, कौन सा योग, तो क्या ना ये स्थूल कथन है अपना जो है ना, यहाँ जो वर्णन है तो एक एक क्षण क्षण में योग बदल जाता है, क्षण क्षण में क्या, नीचे से अपन ऊपर चढ़े उतनी देर में अपने अनेकों बार योग बदल गए, एक ही योग नहीं रहता लगातार। अब ये इतना जो सूक्ष्मता से परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन छद्मस्थ के ज्ञान गोचर तो है, तो ये जो वर्णन है इसमें वो केवल ज्ञान गम्य की अपेक्षा से वर्णन है, तुम ये स्थूल लगाओगे तो लगेगा नहीं। अभी कौन सी कषाय अच्छा आपके बताओ, क्या हम क्यों बोलते हमारे कषाय, हम तो कषाय है आप सबके है और मेरे भी है, चिंता भाई कषाय तो है ही, जब तुम यहाँ बैठे और कषाय तो ही नहीं है, तो हम स्थूल दृष्टि से कहते हैं हमें धर्म लोभ है, लेकिन यहाँ एक अंतर्मूल से अधिक एक कषाय रहती नहीं, तो यहाँ बैठे बैठे अपनी अनेकों बार कषाय बदलती रहती, कभी क्रोध में भी आ जाते हैं,
कहीं मान में भी आ जाती है यहाँ बैठे बैठे माया। अब ये जो कषाय शक्ति अंतरंग की, ये वास्तव में केवल ज्ञान गम्य है, ये तो छदमस्त के तो स्थूल जो है, स्थूल गोचर होता है तो पता चलता है, हाँ इनको मान है या इनको क्रोध है, इनको माया है, माया है या लोभ, ये स्थूल है। मतलब कोई शांति से बैठा है उसके सब कषाय हो रही है अंदर में, मतलब सब कषाय अंदर, कभी कौन सी चारों कषाय एक घंटे तक माला फेरी उसने, और एक घंटे माला फेरते में भी उसके चारों कषाय बदल बदल के हुई है, पुरानियों को बार बदल दी, आपको दिखेगा क्या बाहर से। इसमें सारा ही वर्णन है साहब, जैसे पेड़ पौधों के कृष्णील कापोलेश है, अब आप नाप सकते हो उससे, लोगों ने अपने हिसाब से नापते हैं कि साहब वो पेड़ जो है पानी स्टोर बहुत करके रख लेते हैं इसलिए उनको लोग कषाय बहुत है, तो पानी स्टोर कर लेते हैं ठीक है उससे नापा वो भी, लेकिन वस्तुतः उनकी जो कषाय शक्ति है वो केवल ज्ञान गम्य है। जल में कैसे घटाओगे, अग्नि में, वायु में, वायु कायिक में घटाओ लोग कषाय, पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, मतलब माया क्रोध लोग इनके है। नपुंसक वेद है, क्या इसे कृष्णील कापोत तीव्र अशुभ लेश है, काल दिखाई नहीं देता, और हम जो है हम तो सब चीजें का ऐसे देखने जाते हैं काल से, और ये वर्णन करते हैं कि इसके हिसाब से तो बस जो है ये लेशिया है, इसका कोई कार्य आपको दिखाई नहीं देगा, दिख भी जाए क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हम उसका आपको कार्य दिखा सके। और देव नगर चला रहे हैं, नगर नाश कर रहे हैं, और उनके पीठ लेशिया गए, बोलो अपना घर जलाया उसके पीठ लेशिया है, और ये पेड़ पौधे शांति से खड़े हैं, आप उनका हाथ उनकी टहनियां तोड़ रहा सब कर रहे हैं, और तो भी उनके क्या है अशुभ लेशिया, कृष्ण नींद का लेशिया। तो ये सब बातें इसमें केवल ज्ञान की अपेक्षा से है, ये कुछ भी छदमस्तों की प्रवृत्ति अनुसार नहीं है कि तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसका निर्णय निकालो, कषाय शक्ति की अपेक्षा वर्णन, छदमस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं, केवल ज्ञान में पदार्थों को निर्माण। जिस प्रकार कितने जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं वह व्रतादिक पालते हैं, कितने जीव छह द्रव्य का सात तत्व का रोज विचार करते हैं, क्या सात तत्व का उनका तत्व विचार में लगे रहते हैं, और बाहर में व्रतादिक पालते हैं, व्रत संयम से रहते हैं, व्रतादिक पालते हैं, अनुव्रत महाव्रत तक पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक चारित्र शक्ति नहीं, प्रणालियों कहते इनके जो है सम्यक नहीं है, अब तक तो अभ्यास कर रहे हैं फिर सम्यक नहीं है, व्रत पाल रहे हैं फिर चारित्र नहीं है, क्यों नहीं है उनके नहीं है, और इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि आवृत्ति कहते हैं, मैंने उनके अंतरंग में सम्यक नहीं है, यथार्थ सद्धांत नहीं है, तत्व विचार तो करते हैं लेकिन तत्वार्थ श्रद्धांत जो वस्तु का स्वरूप यथार्थ वस्तु स्वरूप के अनुसार जो श्रद्धांत होना चाहिए वो उनके नहीं है, ऐसे व्रतादिक पालते हैं लेकिन कषाय चुपड़ी का अभाव नहीं है। तो करुणानियोग तो एक ही शब्द में कहता है इनके अभी संव्यक्त नहीं है और ये व्रति भी नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि और आवृत्ति है। और चरणानियों को प्रथमानियों से पूछो तो वो तो बहुत तारीफ करता है, चरणानियों कितनी तारीफ करें, और ये साहब तत्व का विचार रात दिन रात आत्मा का चिंतन करते रहते हैं और व्रतादि पालते हैं, करणानियों करणानियों के तहत नहीं कुछ नहीं है, अभी तत्वार्थ श्रद्धांजलि अंतरंग यहाँ अंतरंग में नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। अभिप्राय खोज के देखता है ये इससे प्रथमा नहीं हो चरणा नहीं हो जैसा नहीं है, क्या कि उन्होंने विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गए चक्कू से छीके काट दिए
और समय दृष्टि हो गया, प्रथमा में समय दर्शन के निशंक रंग में उनको फेमस कर दिया। अच्छे अच्छे समय दृष्टि एक तरफ ले, प्रथमा नियोग तो इतना मतलब इतने स्थूलता से उसको वोट दे देगा, लो क्या। और करना नियोग तो इतना बारीक है कि वह सात तत्व के विचार में लग रहा हो और व्रतादिक का पालन कर रहा हो तो अभी अंतरंग में सम्यक तो चारित्र नहीं है, तो वह एक लाइन में बिल्कुल कह देगा स्पष्ट कि अभी मिथ्या दृष्टि और अचारित्र अंत है, मिथ्या दृष्टि या व्रति है पहले गुणस्थान व्रती है। ये कोई मुलायजा नहीं पाता है एकदम, कोई अनियोग तो ऐसे ही होगा ना जो सच्चा जैसा का तैसा वर्णन करे। सभी यदि प्रशंसा ही कर देंगे तो फिर बच्चे का क्या वस्तु स्वरूप भी लोप हो जाएगा। धर्म में लगाने के लिए ऐसा नियोग भी चाहिए जो कि सबको प्रोत्साहित करे, और ये भी चाहिए कि जो वस्तु स्थिति है उसका बोध कराए, सबकी आवश्यकता। प्रथमा नियोग वाला तो सब प्रथमा नियोग का धर्म माने बोध स्थूल। देखो प्रोत्साहित अपनी जगह है, प्रोत्साहन करना जो थोड़ा बहुत भी धर्म करे अच्छा है, लेकिन हर व्यक्ति को वस्तु स्थिति का बोध होना आवश्यक है कि वो वास्तव में अभी कितना पानी में है, क्या क्या उसने अभी प्राप्त किया है, अभी कहाँ तक आया है। उसे यदि ये खबर नहीं हो कि मेरा अभी सम्यक तो मृत नहीं है तो उसका उद्यम ही क्यों करेगा, वो यदि सम्यक और मृति मान के बैठेगा तो उसका उद्यम ही नहीं करेगा। और यदि उसको पता है कि अरे अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ तारीफ कर रहे हो भले ही, अभी मेरे मिथ्यात्व नहीं गया, तो उसका उद्यम करेगा मिथ्यात्व के नाश कर क्या। तो एक तो उदाहरण ऐसा दिया कि जीव तत्व विचार में प्रवर्तते हैं और व्रतादिक पालते हैं, इन अंतरंग में सम्यक तो चारित्र से रहित है, अंतरंग सम्यक चाय शक्ति नहीं है तो उनको मिथ्यादृष्टि अवृत्ति कहते हैं। देखो एक तो ये उदाहरण दिया, अब दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिट, तथा कितने जीव द्रव्यादिक के विचार रहित, ऐसा होना चाहिए द्रव्यादिक के विचार वह व्रतादिक रहित है, मैंने द्रव्यादिक के विचार से रहित है, मैंने द्रव्य तत्व का विचार नहीं कर रहा, कोई विचार नहीं कर रहा, युद्ध लड़ रहे और तो युद्ध के मैदान में खड़े क्या, विचार भी कर रहे थे, ये विचार कर रहे कि सामने वालों को कैसे मारना, सामने वाले की कौन सी कमजोरी पकड़, ये विचार कर रहे, उसका मर्म स्थल कहाँ जा उसको चोट करना, क्या विचार कर रहे, सामने वाले को मारने, अपन लड़ रहे हो और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको काम मारूं जिससे आप मर जाओ। अब ऐसा काम कोई सोच रहा हो मैंने इसमें द्रव्य तत्व का तो विचार है ही नहीं और व्रतादिक भी रहित है, अन्य कार्य में प्रवर्त रहे पाप के कारण और निद्रा में सो रहे हो, बोली निद्रा आदि द्वारा निर्विचार हो रहे, परंतु उनके सम्यक आदि, उनके सम्यक आदि मैंने सम्यक चारित्र शक्ति का सद्भाव है, सम्यक का हो तो सम्यक का चाहिए चाहिए भी हो तो, परंतु उनके सम्यक आदि शक्ति का सद्भाव है इसलिए उनको क्या कहते हैं सम्यक व व्रति कहते हैं। अब सब अलग पलट मामला हो जाता है, त्रियंचे कितने सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति पंचम गुणस्थान व्रति एकदम क्या, वो कुछ नहीं कर रहे अपने जैसा लेकिन फिर भी उनको तत्वार्थ श्रद्धा ने और कषाय का अभाव है, उससे वे व्रति यथार्थ सच्चे और न्याय करते हुए भी यथार्थ श्रद्धा नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि हो जाता। अंतरंग शक्ति की बहुत मुख्यता है, बाहर में क्या कर रहा है वो एक सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज ये अंदर में उसके जैसा काम जैसा श्रद्धा रूप प्रणमन हुआ भी हुआ कषाय भाव
अभी वर्तमान में टेम्पररी क्या काम कर रहा है, पांच दस वो उसको नहीं देखता है, और जो उसके अंदर में जो उसके खून में क्या चलता है 24 घंटे उसको पकड़ता है। क्या वो उसके अंतरंग श्रद्धान को देखता है? इसका श्रद्धान क्या है? ये युद्ध करता है लेकिन युद्ध करते हुए भी युद्ध से हटना चाहता है, इसकी परिणति कुछ और ही है, करता कुछ और है, परिणति कुछ और के लिए, और ये जीव इसकी परिणति कुछ और ही है, करता व्रतादि के समय के तत्व का विचार करता है लेकिन इसकी परिणति कुछ और है, इसका अभिप्राय कुछ और है, इसलिए ये उपयोग से नहीं पकड़ता कि उपयोग किस में है, ये अंतरंग शक्ति अंतरंग श्रद्धान से पकड़ता है जीव को, उसका श्रद्धान क्या है। एक जीव ऐसा है जो चाहे मौत आ जाए लेकिन कभी भी श्रद्धान नहीं बिगड़ता उसका, क्या मृत्यु की कीमत पे भी अपने श्रद्धान को नहीं छोड़ता। और एक ऐसा है कि कर रहा है श्रद्धान उसको कुछ नहीं, यदि कुछ उसको विषय भोग का काम दिख जाए तो उसमें लग जाए, जरा प्रतिकूलता आ जाए और कोई कह दे कि ये कुदेवादी की आराधना से ये करो तो तुम्हारा हो जाएगा सब सही, वो करने लग जाए, दम कुछ नहीं है वैसे तो बहुत सारे लोग, और वो ये देखता है कि अभी अभी यहाँ अभी क्या कर रहे हो इससे मतलब नहीं, इनका अभी तुम्हारा श्रद्धान क्या है, श्रद्धान क्या कहता है, और श्रद्धान कोई पांच मिनट का काम करने से काम नहीं होता, श्रद्धान जो है वो पूरा तत्व विचार और उससे वो एक अंदर की ठोस चीज होती है, नींव मतलब जो हमारा सतत चला करता है। उदाहरण के लिए देव का श्रद्धान, तो वो हमें कोई स्वप्न में भी कहे कि अन्य देव देवता के पास चले जाओ तो अपने को भाव आएगा, सब थोड़ा भी तत्व ज्ञानी होगा तो नहीं आएगा उसको, यहाँ मंदिर में नहीं भी बैठा है तो भी उसको कुदेवादी की आराधना स्वप्न में भी नहीं आएगी, और कोई यहाँ पे भक्ति खूब करे और पास में चले दो घंटे यहाँ जाप आधे घंटे वहां से ढाई घंटे धर्म के लिए, ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे फिर थोड़ा कुछ इधर उधर कर लेते, क्या अंतरंग की उनकी जो विषयों की आसक्ति रुचि काय की पड़ी है, अंतरंग में श्रद्धान किस बात का है, किसको सुख रूप मानते हैं, सुख बुद्धि किस में है, तो ये जो श्रद्धान है अंतरंग का ये बहुत प्राइमरी चीज है, हम क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि हमारा अंतरंग का श्रद्धान वस्तु स्वरूप के प्रति क्या है, हम किसमें अपनी बुद्धि किसमें अपनापन है, किसमें परायापन है, हम किसको अपना मानते हैं किसको पर मानते हैं, जैसे अपन अपना नाम याद करने के लिए अपने क्या करना पड़ता है, क्यों आपको नाम याद रखने के लिए क्या करना कुछ ऑटोमेटिक एकदम ऐसा सपने सो भी रहे और एकदम कोई बुलाए अपने नाम से उठ जाए, पांच जने सो रहे हैं उसमें जिसके नाम से बुलाओगे आप वही उठेगा क्या, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना हो देख लेना, क्यों उस नाम में उसका बिल्कुल अपनापन पड़ा है, तो वो अपनापन को ऐसी श्रद्धा में पड़ा है, कोई वो मंदिर में जाके रटा नहीं है, कोई याद नहीं किया है, कोई तो उसके लिए दिमाग में नहीं रखना रहता है, वो सहज वृत्ति है, ऐसे ही अपना अपनापन अपनी आत्मा में हो जाए सहज रूप से याद नहीं करना पड़े मैं आत्मा हूँ मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा बार बार याद करने वाली बात नहीं, वो सहज उसके रूटीन श्रद्धान में आ जाता, ऐसा किन्नी तिलियन चौक आ जाता है मनुष्यों के लिए, होता मनुष्य हर चीज को एक्टिविटी से नापते हैं, इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन हमारा श्रद्धान उससे सुधरा नहीं सुधरा, एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं तो उसके लिए कि हमारा श्रद्धान यथार्थ बने, हमारा श्रद्धान निर्मल हो, वस्तु स्वरूप के अनुकूल हो, जैसा वस्तु स्वरूप हो वैसे ही हम माने उसके अनुकूल श्रद्धान हो तो ये सब सार्थक है, और वस्तु स्वरूप के अनुकूल हमारा श्रद्धान न हो
वो हो कुछ और हम माने नहीं वैसा, हम नहीं मानेंगे तो हमारा ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं। जैसा है वैसा मानना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब पढ़ते ही इसलिए अपन, इसलिए कि हमारा श्रद्धा तत्वार्थ रूप हो, वस्तु स्वरूप के अनुकूल हो, तत्व श्रद्धा हो, इसलिए तो पढ़ रहे पक्का ही पढ़ रहे तत्वार्थ श्रद्धा के लिए अपन पढ़ रहे। तो सारी कीमत क्या है कि तत्वार्थ का श्रद्धा, तत्वार्थ का याद नहीं, तत्वार्थ का श्रद्धा, तत्वार्थ का श्रद्धा ऐसे ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा अंतरंग जो श्रद्धा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर रहा हो तो भी इसका श्रद्धा हम देखते हैं, इसकी शक्ति के अंतरंग कषाय शक्ति देखते हैं। एक आदमी नहीं लड़ते हुए भी लड़ता है और एक आदमी लड़ते हुए भी नहीं लड़ता, एक आदमी नहीं विचार करते हुए भी विचार बनते हुए, एक आदमी विचार करते हुए भी नहीं विचारी, ऐसे कैसे अंतरंग कषाय अंतरंग सम्यक तो चारित्र शक्ति से वो सम्यक चारित्र बनते हैं और कोई के सम्यक तो चारित्र नहीं है तो मिथ्या दृष्टि अवृत्ति। तथा किसी जीव के योग्य निद्रा आदि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं परंतु उनके सम्यक आदि शक्ति का सद्भाव है इसलिए उनको सम्यक वृत्ति कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है, प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी, प्रवृत्ति मतलब जो हमें दिखे, प्रवृत्ति होती है ना बाहर में जो दिखती है। तो किसी जीव के कषाय की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, बाहर में कषाय में प्रवृत्ता हो खूब दिखता है, क्या गुस्सा करता हुआ दिखता है, लड़ता हुआ दिखता है, चिल्लाते हुए दिखता है और फिर भी उसके कषाय शक्ति थोड़ी है तो उसे मंद कषाय कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है तो उसे तीव्र कषाय कहते हैं, क्या मैंने ये बाहर प्रवृत्ति से नहीं पकड़ता करणानी, प्रवृत्ति से पकड़ने वाला कौन है, चरणानी, चरणानी होता है, अरे तुम बहुत कषाई हो, कितनी गुस्सा कर रहे हो, करना नहीं इसे इतने में निर्णय नहीं देता, क्या वो तो पूरी कषाय शक्ति कितनी अंदर में, कषाय में रस कितना पड़ा है, कषाय करने में सुख मान रहा है दुख मान रहा है, वो तो बहुत सारी चीजों से उसको मेजर करेगा अंतरंग शक्ति से। जैसे किसी आदमी कोई राजा है, बहुत बड़ा राजा है, 6 खंड का राजा है, अब इसके कोई चीज उसकी जरा सी अनुकूल नहीं हुई, किसी समझ लो किसी आदमी ने, किसी उसके अधीनस्थ व्यक्ति ने उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं की, उसको गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। और यहाँ पर मुनिम जी है और उनके ऊपर सेठ जी ने जो है खूब उटपटांग बका और मुनिम जी बहुत शांति से उनकी और बहुत हंस हंस के चुपचाप सुनते रहे। अब क्या लगता है अपने, क्या लगता है मुनिम जी तो बहुत निष्कषाई है और राजा साहब कितने कषाई है, जनता ही कहती, जनता बाहर की जनता मोटी मोटी होती है बुद्धि, क्या कषाय कितनी करे, और कषाय क्या नाम है किस चिड़िया का नाम है मालूम नहीं क्या, अरे वो मुनीम चुपचाप इसलिए है क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है बेचारी, क्या मजबूरी है उसकी, अंदर में ठान रहा सब सेठ जी इस भाव में नहीं तो किसी और भाव में बताऊंगा तुम, अभी तो मेरी क्या करूँगी, मजबूरी का मारा हूँ, भाग्य का मारा हूँ, नहीं तो मैं बताता कि किसकी गलती है यहाँ, मेरी मेरी गलती बताते रहते हैं, गलती खुद करते हैं मेरी बताते हैं, तो क्या करें हम, यदि हमारी शक्ति हो हम उनको मजा चखा लें, क्या। और वो जो चक्र 3 खंड का राजा है, अरे तुम उनको 3 खंड छोड़ो, तुमको भी जरा से ही राजा बना दे तुम्हारे अंदर में अधीनस्थ आदमी हो
बोलो बड़ा तुम जरा तुम्हारे अनुकूल नहीं चले फिर देखो आप, अरे हम इसको पैसे दे दें कैसे नहीं करेगा काम, साहब गड़बड़ कर दी थोड़ी बहुत आपसे जरा सा बोल ले वो, नहीं आपने ऐसे ही बताया था उसे किया मैंने, हमारी गलती होता चलो। मतलब आदमी जरासे में तो सेठ ही चढ़ जाती लोग जरा जरा से, क्या एक नौकर रहता नहीं और फिर देखो आप पूरा ऐसी सेठ ही चढ़ जाती माथे पे क्या। अब तो छह खंड का राजा उसकी शक्ति क्या है जरा उसका विचार कर, और जरा सा गुस्सा आ गया भाई शक्ति की अपेक्षा से देखो तो कुछ भी नहीं है उसके तो। मैं तो कहता हूँ रावण की भी जो कषाय दिखती है वो बहुत मंद है उसकी शक्ति की अपेक्षा, क्या उसकी जो शक्ति थी उसकी तो बहुत थी उसकी शक्ति, वैसी शक्ति आज वर्तमान में किसी को दे दी जाए तो जितना अत्याचार अनाचार हो वो आप देख नहीं सकते, अंदर में कषाय शक्ति इतनी लोग क्या लोग कर, मतलब ये जितने भी आज के साधन है टीवी सब काय के कषाय की तो साधन है, वो काय के साधन कषाय शक्ति जो है वह खूब कषाय अंदर में खूब है, अब हम बाहर व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्त करें तो पुलिस पकड़ के ले जाती, तो अंदर ही अंदर जो है उस कषाय को पोसते रहते हैं उसके माध्यम से, नहीं शक्ति बहुत है कषाय बहुत है अभी के लोग क्या है ना, रावण से ज्यादा कषाय अभी के लोगों की, जो लोग रावण को जला रहे हैं ना वो रावण से ज्यादा कषाय है। रावण के जो नियम था नियम में अटल रहा हो, क्यों नियम नहीं भंग किया उसने, ले आए यदि जो स्त्री मुझे पसंद करेगी क्या तो ठीक है, अन्यथा उसने उसका स्पष्ट नहीं। तो ये जो है मैंने वो रावण की इतनी ठीक नहीं थी इतनी भी, अन्यथा तो वो प्रतिज्ञा का तो क्या है ले ली होगी उस टाइम पे, वो भाव अलग थे भाव अलग, प्रतिज्ञा भंग नहीं की एक बात, दूसरी बात कि जो शक्ति रहती है इन लोगों की राजा लोगों की शक्ति, आप राजा की जगह बैठ के विचार करें कि जो चाहिए तीन खंड का राजा हो उसकी क्या शक्तियाँ होती उन लोगों, और उनके जो भी काम छोटे मोटे बताए गए हैं वो उनकी शक्ति के हिसाब से बहुत थोड़े हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकते थे फिर भी उन्होंने यही किया, अभी तो हमको तो उस पाप से हटाना है इसलिए हम कहते हैं कि उसका फल ये मिला, लेकिन उनकी यदि अच्छाई भी देखो तो बहुत सारी चीज़ें अच्छाई प्रतिज्ञा पे अटल रहे हैं क्या, न्याय नीति को नहीं छोड़ दो, तो वो सब चीजें बातें हैं। तो इसलिए ये कषाय करने से ये नहीं नापता है कौन करना नहीं, करना नहीं किस चीज को देखता है कषाय शक्ति, अंदर कषाय शक्ति कितनी करने की शक्ति कितनी है कर कितने रहे क्या, शक्ति अंतरंग कषाय शक्ति कितनी है, जैसे व्यंतर आदि देव कषायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं, व्यंतर देव जो है कषाय होती है इनके नगर नाश कर दे, मरी फैल गई बोलो पूरे नगर में सब मरने लग गए खड़े खड़े, जो जहां बैठा था वहीं का वहीं बैठा रह गया, मरने लगे ऐसे भयंकर लोग, कहां फैली थी मालूम मत कहां फैली थी, मथुरा के मथुरा मरी मथुरा के अंदर क्या था, मथुरा का राजा था वो, राजा का जो पूर्व भाव में एक मित्र था उस मित्र से उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों ऐसे थे बिल्कुल एकदम परम मित्र, और वो बाद में मर के एक तो देव बनता है और दूसरा वो मधु राजा बनता है, तो वो देव को उसकी मित्रता याद आती है कि जब मैं निर्धन था और ये राजा था तब भी, और तो भी ये मेरा इसका इसने इतना उपकार किया था, तो वो उसके प्रेम से खींचा चला आता है नीचे, तो इसने मेरा पूर्व भाव में उपकार किया, और वो उसको एक त्रिशूल दे के जाता कि जब तक तुम्हारे हाथ में त्रिशूल है कोई तुम्हारा भाग वाका नहीं कर सकता। अब ये क्या होता है कि
रामचंद्र जी के भाई शत्रुघ्न रहते हैं ना, उनको वही नगरी पसंद आती है। जब ये सब जीत के आते हैं लंका उनका, तो सबको राज्य बांटते रहते हैं, तो अपने शत्रुघ्न से पूछते हैं, भाई से तेरे क्या पसंद है? बोले मथुरा। बोले मथुरा, मथुरा के अंदर तो वो मधुर राजा राज्य करता है, उसका त्रिशूल है, और त्रिशूल उसके पास में तो कोई उसे जीत नहीं सकता, और कोई से नगरी ले लो, नहीं हमें तो वही चाहिए, यही चाहिए। तो भाई अब क्या करें कि चलो अपना जो सेनापति उनके साथ कर दिया कि भाई ध्यान रखना इनका बच्चा है तो तुम्हारे को साथ भेजे, इसको वही चाहिए जीत, साथ भेज दिया। गुप्तचर वगैरह सब भेज दिए, अच्छे बढ़िया फोर्स। गुप्तचरों ने तो कल पता लगाया, पता चला कि मधु राजा तो बाहर वन क्रीड़ा करने गए हैं, और अभी आयुधशाला में कोई भी नहीं है, और वो त्रिशूल रत्न वही है आयुधशाला। तो रातों रात गए और आयुधशाला पे कब्जा कर, और त्रिशूल रत्न अपने कब्जे में लिए। अब वो बेचारा हाथ था त्रिशूल रत्न से रही थी, अब कहाँ है इनकी अपार सेना और कहाँ थोड़ी सी सेना। अंतर्गत तो ये होने लगा, तो सामने हार दिखने लगी कि अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। आखिर हार कैसे माना, लड़ाई करी गई, लड़ाई करते करते लहूलुहान हो गए। फिर हाथी पे बैठे बैठे एक विचार आया कि पर्याय क्षण मंगुल है, मैंने जरा सी इस पर्याय के पीछे कितने पाप किए, भोगों में मस्त रहा, अब तक आत्मकल्याण को नहीं जाना। और वहीं बैठे बैठे हाथी पे बैठे बैठे वस्त्राभूषण उतार के वो केश लोच करना चालू। इतने में देखा शत्रु सब युद्ध युद्ध छोड़ा है, ये तो महाराज बनने लग गए, उनको नमस्कार करते हुए बैठे, उनके परिणाम एकदम बदल गया, युद्ध नहीं रहा वो। और वो तो खेल घाव वगैरह लगे थे, थोड़े समय में समाधि पूर्वक उनका मरण हो गया। अब वो मरण हुआ तो वो तो राजा गया, इन्होंने नगरी पे अधिकार किया, लोगों ने बड़े उत्सव किए, युद्ध खत्म हो गया तो, और नया शत्रुघ्न राजा आया, राजा रामचंद्र जी का भाई। तो वो जो देव था, कौन, त्रिशूल रत्न का स्वामी, उसने देखा कि अरे मेरे मित्र की तो मृत्यु हो गई, उसके हाथ में था ही नहीं त्रिशूल रत्न, और ये लोग कितने कृतज्ञ हैं, पहले इनका राजा इनका पालन पोषण करता था, और इतने अच्छे से पालन पोषण किया, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रजा को रखा, और अब वो मर गया है, दूसरा राजा आ गया है, और ये खुशी मना रहे उसको, उसके मरने का गम ही नहीं है इनको, कैसे कृतज्ञ लोग हैं, दुष्ट इनको मजा चखाते हैं। और उसने क्या किया, वो मरी भेला भी, मरी भेला जो जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़े रह गया, ऐसी मरी मने मरी का लोग होता है, तो मरी का लोग ना प्ले प्ले होते ना प्ले, जैसे फैलते हैं संक्रामक रोग होते हैं, वो तेजी से फैलते हैं, लोग मरने लगे, ढेराम संख्या मरने लगे, ये भागे अभी शत्रुघ्न अयोध्या में गए वापिस। क्या अब क्या करें, कुछ नहीं। तो वो उसने अंतर ने काम, तो जो देव ने काम किया कि नहीं किया, अब ये काम तीर कषाय का है, कौन सी लेशिया होनी चाहिए सर, कृष्ण नील का पुत्र कोई अशुभ लेशिया होनी चाहिए, और उसके पीत लेशिया थी उस समय भी, बोलो ऐसी ये करणानियों की कथाएं, करणानियों की ऐसी चीजें, ऐसा कथन है करणानी, अंतरंग कषाय शक्ति से नापता, वो इतनी भार मोटी मोटी चीज से ही नापता। नहीं तो भी वो उसके शक्त नहीं कह रहे, वही तो कह रहे हैं कि देव गण कषायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेशिया कहिए, यही तो लिखा देंगे। थोड़ी इसलिए क्योंकि बहुत कुछ करता सकता था वो, उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत मरी वरी फैलाना उनके लिए बहुत छोटा काम, ज़्यादा ताकत होती तो वो उसके पीछे पड़ जाते शत्रुघ्न, एक एक आदमी को मारने लगते, अंदर में कुछ जितना कर सकते थे उसके उसकी शक्ति के अनुसार कुछ नहीं किया उसने। क्या मरी फैला दी बस, बैठ गया फिर भी नहीं थी उसके अंदर, जो वो काम कर सकते थे जितनी,
और मित्र के प्रति वो थी ना, मित्र के प्रति मित्रता, खुद का तो कोई लेना देना था भी नहीं क्या। तो अंतरंग जो शक्ति, कषाय की शक्ति, वो ऐसी नहीं थी, बल्कि वो मित्रता के उपकार में उसने जो भी किया वो किया। इन फिर भी जिनवाणी, अब यही तो कह रहे हैं करना नहीं हो, अब ये कौन बताए केवल ज्ञानी भगवान के अलावा कि उनके देवों के हमेशा पीत लेश्य रहती है, वो नगर नाश करे तो भी पीत लेश्य, नगरी में आग लगा दे तो पीत लेश्य क्या, हम आदमी में आग लगा दे तो कृष्ण लेश्य, मतलब एक बात है लगाने के लिए नहीं किसी किसी क्या, बहुत अलग चीज अलग है ना दोनों की, उसमें शक्ति इतनी अरे जम्बूदी पलट सकता हो, अंदर जम्बूदी पलटने की ताकत है, जो किया उसने क्या किया कुछ नहीं, आपको मच्छर काट रहा हूं, शक्ति बहुत है लेकिन आपने जरा से ही मराया, तो मरा नहीं उससे वो क्या दिखाई तो अपने, अब लोक में तो ये कहा जाए कैसी है कैसे कर रहे, लेकिन भाई जो आदमी मार सकता है उसने इधर उधर कुछ नहीं लगाया, और एक आदमी ऐसा दुष्ट हो सकता है, अच्छा मच्छर घुमाते हैं आजकल आ गए बहुत सारे बाजार में इंस्ट्रूमेंट, मतलब कुछ भी लिया वो मार डालेंगे, अब कषाय शक्ति के उसको ऐसा लगता है, देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि देखो इसने कितना शांति से बस एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, और कुछ बाजार मिलता है बिजली खटका चालू करना रहता है, और ये दिन भर यही करते रहते हैं, अब बताओ कौन केक है क्या, लोक में क्या कहा जाएगा ये इसके ज्यादा कषाय शक्ति समझते तो, क्योंकि क्या है कि अंतरंग परिणामों को कोई नहीं जानता, लोग बहुत स्थूल दृष्टि से विचार करते हैं, और इसलिए लोगों को जो ये जो मैंने बाहरी जो वो दिखते ना बाहर से एकदम सफेद पोष जैसे कुछ भी नहीं कर रहे, अब कर क्या रहे, उन्होंने सब अपने घरों के लिए व्यवस्था कर रखी, उन्होंने घर पे सारे इंसेक्टिसाइड लगा दिए, सारे सारे वो सब सब चीज़ें होती सब लगा दी पहले ही कर दिया, तो उनके तो पहले ही उनने व्यवस्था कर दी क्या, कई लोग कर देते हैं व्यवस्था पहले ही, इलेक्ट्रिसिटी के सब इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं मच्छर नहीं आए, अब बाहर से एकदम ऐसा लगता कुछ नहीं कितनी साफ सफाई है ये है वो है, लेकिन उसके पीछे की रहस्य देखो तो कितना कुछ है, ऊपरी सफाई और अंदर की पवित्रता बहुत अलग चीज है, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा हो सब बढ़िया, लेकिन अंदर क्या है क्या पता, क्या काम कैसे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे एक जन ने मंदिर में लगा दिया ऑल आउट सब जगह, मैंने चार जैसे खटके थे ना बिजली के चार बजे, एक आदमी समझदार था तो उसने क्या किया, मंदिर का जो बोर्ड था उस पर मिटा के लिख दिया कृपया मंदिर में ऑल आउट में लगा है, शायद अभी उन्होंने निकाल दिया क्या पता क्या किया, मैं जिस मंदिर में आता हूँ कोई कुछ बोल भी सकता, वहाँ के ऐसे एक अधिपति हैं वहाँ पे क्या, तो उनको कुछ नहीं बोल सकता जो करें, मतलब तो पानी का जैसे नल वगैरह रहता ना पाइप, भगवान क्या हम लिया पाइप और क्या क्यों लोग हाँ मजाक नहीं करना बिल्कुल अंचल है पानी से, एक दिन ये इसका बोरिंग का पानी खत्म हो गया तो बोला अरे अपने पानी की टंकी है तो सही बिल्कुल कोई विवेक नहीं, दूसरे क्या वो अब वो सेठ साहब कौन क्या कह सकता है, सब चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, सेठ साहब का आदेश, अब वो सेठ साहब जो भी है वो सेठ साहब, क्योंकि क्या है कारण ये कौन लड़ाई झगड़ा करे बेचारा आदमी रोज रोज क्या तक टक्कर में पड़े, जो करे करे क्या विवेक का कुछ काम नहीं है ना, और विवेक जो बताए उससे लड़ ले, तो अब ऐसे ऐसे लोग हैं, अब वो यूं देखा जाए तो ऊपर से तो लोगों को लगता हो कितने ये है वो है क्या इधर उधर कहीं कुछ कर दे दो पांच रुपए का दान दे दे तो यहाँ के लोग चले जाए सर, हम जानते हैं तो क्या होता है हमारे साथ रोज क्या क्या करो
लोगों की शक्ति को लोगों जानते ही नहीं अंदर की वास्तविक कषाय शक्ति क्या होती क्या। तो कोई बाहर से वो कहे मतलब देवता नगर नाश आदि कार्य करे, मैं तो मच्छर की बता रहा कि मच्छर जो है कोई भी कार्य, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अंतर कषाय शक्ति से इस करणानियों के अंदर नाप होगा, बाहर की चीजों से नाप नहीं हो सकता। अपन भी जो बाहर के उदाहरण दे रहे वो भी उससे नाप नहीं, अंदर का नाप तो केवल यह नहीं जानते कि वास्तव में किस जीव की कितनी कषाय है। अपन क्या बताएं, अपन तो किसी की भी प्रवृत्ति से अनुमान लगा सकते हैं, छन्मस्थ केवल एक दूसरे की प्रवृत्तियों से उसका अनुमान लगाते हैं। वास्तविक वास्तविक कषाय किसकी क्या है ये भगवान जिनेन्द्र जानते हैं, और जीव जो है अनुभव करता है वो अनुभूत करता है। एक इंद्रिय आदि जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, क्यों, कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं देते कषाय के, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादि लेश्य है, उनके कषाय शक्ति बहुत, तीन अशुभ लेश्य ही उनके जन्म से मरण तक, तीन अशुभ लेश्य होती है पेड़ पौधों के, पेड़ के, अग्नि के, जल के, वायु के, पृथ्वी के, दो इंद्री के, तीन इंद्री के, चार इंद्री के, क्या अशुभ लेश्य है, चींटी के, मक्खी के, मच्छर के, लट के, कभी कभी तो व्यक्ति भी होती दिखती है। देखो आप चीटियां होती ना, चीटियां जो चीटी एक कोई कीड़ा मर जाए और शक्कर दोनों रख के देखे ना, वो कीड़े के पास चले जाएगी क्या। और जैसे कि मच्छर मरता है उनको पता नहीं कैसे खबर लग जाती, मच्छर मरा दूर से आ जाती है और ट्रांसपोर्ट करके चार छह जन खींच चार, और कहीं गिर जाता है तो वापिस ले जाती है, उनको गंध लग जाती मच्छर मरा है, माने कोई भी मच्छर मरने के विद इन फ्यू मिनट्स आ जाती है, अपनी एम्बुलेंस नहीं आ सकती इतनी जल्दी फोन करने इतनी जल्दी आ जाती क्या, उनको पता चल जाता है यहाँ लाश पड़ी है इसको ले जाना क्या, उनका पूरा सिस्टम डेवलप ऐसा है, कहाँ से कैसे आ जाती कैसे पता चल जाता है, कहाँ उनके छेद वेद से निकला के सब, अरे हमको तेल कहीं तेल जरा धुल जाए, तेल धुल जाए, शक्कर धुल जाए, आप अपनी आंखों से देख के चले जाओ आपको शक्कर नहीं दिखे और वो आ जाएंगे बड़ा है, और स्टोर करती रहती है, फिर इनको दूध देना होता है तो दूध भी देती निकाल के फिर अंदर कर देती है, इनका सब चलता रहता है पूरा हिसाब किताब, सब कषाय शक्ति है उनके। अब भले ही आपको जो है जितनी दिखती हो ना भी दिखे, उनके अशुभ लेश्य हैं, अरे मच्छर मच्छर ऐसा लगता है अपने पाँव पड़ रहा, वो काटता रहता नीचे बैठ चुपचाप बैठा बैठा आ रहा कहीं छुप छुपा के खून पीता रहता, और खून उसको दिख जाता अपन अंधेरे में, आप 5 मिनट बैठ जाओ कहाँ से आ जाएगा फटाक से धड़ा धड़ धड़ा धड़ा, तो अपन कुछ तो उससे उनकी प्रवृत्तियों से अनुमान लगाते कि सब उनकी लेश्य अशुभ लेश्य तो बता दी, खून ही पीना उसको पूरी तरकीब लगा लेता हो इधर उधर, जरा आप हिलोगे तो दूर हो जाएगा फिर धीरे से आ जाएगा, मैंने इतने चतुर होते हैं उनके मन नहीं होता तो भी चतुर होते अपने काम, लट चीटी क्या मच्छर मक्खी दांत ततैया भर अशुभ लेश्य हैं, 4 इंद्री तक के जीवों के कृष्ण नील काप, एक इंद्री आदि कहे ना उन्होंने, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, 4 इंद्री, इन चारों के कृष्ण आदि अशुभ लेश्य हैं, वो कषाय करते दिखाई नहीं, कषाय के कुछ कार्य करते दिखाई नहीं देते, ये तो मैंने आपको थोड़ा दिखाया है कार्य, लेकिन वास्तव में ये तो ऐसे दिखे भी नहीं, लटका क्या दिखे आपको क्या। कई लोग कहते हैं काली चींटी बहुत अच्छी है, इनके लालों की काली मतलब चींटी हैं दोनों, लाल तुमको काट देती है इसलिए तुमको बुरी लगती है, बाकी काली भी है तो कृष्णा भी अशुभ लेश्य वाली, हो सकता है थोड़ी तारतम्यता हो उनमें, क्योंकि लाल से मेरे को भी लगता है काली की कम होती है शायद, लाल तो एकदम काटती है एकदम पाँव पे आ जा बस मांस खाने लग जाती है, कुछ तो उनमें तारतम्यता है, लेकिन फिर भी कृष्ण कापुर लेश्य तो तीनों के या दोनों के अशुभ ही है, शुभ लेश्य नहीं।
हो सकता है काली भी काटती हो अपने को लगता है, ये भी हो सकता है काली काटती है। चलो काली काटती है, है? काली हाँ मतलब मच्छर तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मच्छर तो वो ऐसे काटते हैं पता ही नहीं चले आपको, दो मिनट बाद पता चलता है मच्छर काटने खून पीते रहते वो आराम से। तो वो सब सब उनको हम के अंदर माया क्रोध मान माया लोग सब है। तथा सर्वार सिद्धि के देव कषाय थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम का। देखो सर्वार सिद्धि के देव कषाय थोड़े हैं, मैंने देखो उनके ना तो कोई मतलब पांच पाप की अपेक्षा देखो तो कोई पाप नहीं है उनके जीवन, हिंसा नहीं है, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परिस्त्री से स्त्री परिस्त्री छोड़ो स्व स्त्री भी नहीं है उनकी, तो परे प्रविचारा सोलह स्वर के ऊपर कोई देवी ही नहीं है, स्त्री है ही सब आमिंद है, कोई परिग्रह नहीं, पूरे समय तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, अपने विमान को छोड़कर और कहीं जाते नहीं, भगवान के कल्याण को भी जाने का भाव नहीं आता, वहीं से गल अवधि ज्ञान से ही जानना जान सकते हैं, और अवधि ज्ञान को भी ज्यादा उपयोग करने का भाव नहीं आता, परम मतलब पूरे समय तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, तो भी उनके असंयम था, असंयम ही है। बोलो 33,000 वर्ष तक उनके भूख नहीं लगती, कंठ से 33,000 वर्ष बाद अपने आप अमृत झड़ जाता, 33,000 वर्ष का उपास कहना चाहिए ना उनको, क्यों क्यों भाई 33,000 वर्ष तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उपास है कि नहीं उनके, किसी स्त्री का सेवन नहीं किया पूरा 33 सागर तक ब्रह्मचर्य, और झूठ नहीं बोला तो पंच पांच महाव्रत होने चाहिए उनके, अहिंसा महाव्रत सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग महाव्रत, चलो त्याग नहीं तो परिग्रह परिमाण तो व्रत ही होने चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उनके, मैंने जिन चीजों से हम नापते हैं वो सब चीजें उनमें है। बोलो है क्या नहीं मन से त्याग, अरे मन से नहीं फिर भी असंयम है उनके, वो पर्याय जन ने अपने आप भूख लगती नहीं क्या, तो उसमें पर्याय योग्यता ही ऐसी है कि अपने आप 33,000 वर्ष तक भूख लगेगी, लगेगी तो अपने आप कंठ से अमृत झड़ जाए, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, लेकिन उसका त्याग नहीं आहार का, आहार नहीं लेने इसलिए तो कह रहे हैं आहार नहीं लेने का नाम आहार का त्याग नहीं है। क्या संयम किसका नाम है, संयम अपन ने किसको संयम मानते हैं, रोटी नहीं खाना इसका नाम संयम, ये मानते ही ना रोटी नहीं खाई संयम हो गया, एक टाइम खाया संयम हो गया, संयम ही हो गया, तो ऐसे एक टाइम नहीं खाने से संयम हो जाते हैं, तो देवगति के सारे देव संयम ही हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक टाइम नहीं, एक टाइम तो छोड़ो कितने तो ये 33,000 बच्चे भूखी लगती है तो भी उनको असंयम ही कहते हैं, क्यों कहते हैं इसका विचार करना चाहिए कभी, क्यों कहते हैं कषाय शक्ति उनके है, अभी तीन कषाय का अभाव नहीं हुआ है, एक मतलब एक का ही अभाव हुआ ज़्यादा से ज़्यादा सम्यक दृष्टि है, तो तीन कषाय शक्ति और तीन कषाय चौकड़ी उनका भी है, और यहाँ पर एक जीव ऐसा है देखो क्या पंचम गुणस्थानवर्ती व्यापार दुकानदारी कर रहा है, तो पांचवें गुणस्थान में दसवीं जैसे आरंभ त्याग जब तक नहीं किया है आठवीं प्रतिमा तक तब तक वो व्यापार व्यवसाय करता हुआ है, सातवीं प्रतिमा है ना ब्रह्मचर्य प्रतिमा वो आठवीं आरंभ त्याग, तो आरंभ त्याग नहीं किया उसने तो व्यापार व्यवसाय करेगा नहीं करेगा, तो व्यापार व्यवसाय करेगा तो व्यापार व्यवसाय करते हुए तो
छठी प्रतिमा धारी है, मतलब छठी प्रतिमा धारी भी व्यापार व्यवसाय कर सकता है, छठी या सातवीं कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई प्रतिमा ली तो व्यापार व्यवसाय नहीं करे, सातवीं प्रतिमा तक वो आरंभ का त्याग नहीं किया उसने, नहीं व्यापार व्यवसाय करेगा आपने अभी आरंभ किया ही नहीं, और तो भी उसके पंचम स्थान हो सकते। हो सकता है कि हो सकता है, क्योंकि प्रतिमा है ना, पहली प्रतिमा से भी हो सकता है पंचम स्थान, दूसरी से तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं तक हो सकता है, आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं तो है ही, मैंने कोई भी प्रतिमा डाली तो पंचम स्थान उसके हो सकता है, और वो पंचम स्थानवर्ती जीव हो सकता है कि व्यापार में प्रवृत्ता हुआ दिखाई दे, अब्रह्मादि कार्य में प्रवृत्त है, अब्रह्मा ने समझ लो सातवीं प्रतिमा भी नहीं है, छह प्रतिमा है, तो वो स्व स्त्री का त्याग तो हुआ नहीं, स्व स्त्री के सेवन रूप अब्रह्म कार्य में भी प्रवृत्त है, अब्रह्म आदि कार्य तो कषाय रूप है ना, कषाय कार्य रूप है, तो कषाय कार्य रूप बहुत प्रवृत्त है, तो भी उनके मंद कषाय शक्ति से देश ही होगा ऐसी बात क्या है, क्यों इनके कषाय शक्ति अलग ही चीज है, वो जब देव अभी यहाँ आएगा तब देखना, तब पता चलेगा कितना सही है कितना सही है, समझ में कषाय शक्ति वो बाहर संयोग नहीं है उस जाति का, उसको देव उस जाति की सब चीजें वैसे ही, एक अंतरंग में उसके कषाय नहीं मिटी है, और इसके होने पर भी कषाय मिट चुकी है, उसमें सुख बुद्धि उसमें राग बुद्धि मिट गई, इसलिए व्यापार अब्रह्म सेवन करते हुए भी पंचम स्थान संभव है, दो कषाय चोपड़ी का अभाव है, और इसके कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना सर्वार सिद्धि के देव, न कोई व्यापार कर रहे हैं न कोई अब्रह्म के कार्य में प्रवर्त रहे हैं, तो भी उनका संयम कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, मैंने ये करना नहीं हो कि विवक्षा को बराबर समझना भैया, क्या यहाँ सब करना नहीं हो में केवल ज्ञान अपेक्षा वर्णन होता है, बाह्य प्रवृत्ति से कुछ भी कथन नहीं होता, तुम बाह्य प्रवृत्ति से इसको नापना चाहोगे तो नहीं नपेगा, बहिरंग प्रवृत्ति का वर्णन तो काय में करेंगे हम, चरणा नियोग में करेंगे, चरणा नियोग में सारा कथन बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा से होता है कि ये जीव ऐसा कर रहा है उसको ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा कर रहा है इसलिए उसके बहुत कषाय है, और प्रथमा नियोग तो और स्थूल कथन करेगा, और तो बस फटाफट नरक में कुछ भेजता है जरा जरा से, और स्वर्ग में पूछा है जरा से, कोई खोटा काम किया नरक जाएगा, नरक हो गया इसको पक्का, और कोई अच्छा काम करे तो स्वर्ग है स्वर्ग पूछा फटाफट, एक आध दो काम से ही कर देते, और यहाँ तो इतना सब होने पर भी कषाय शक्ति नाथ है, कषाय शक्ति क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ, ये क्यों पढ़ रहे अपने सब, कि जब हम करना नहीं पढ़े तो ये सब जो है उसकी जो विधि है उसका जो विधान है वो हमारे ख्याल में रहे, इसके पढ़ने की विधि ये इसका विधान ये, समझ हो गया आपको, बाकी कल करेंगे।